हेलो जी, आज हम लोग सेकेंड गेम देखने वाले हैं जो कि ग्रिस्चुक और डूडा के बीच में हुआ था। एक्चुअली डूडा वाइट था उसमें, सो हम लोग ज़्यादा बेहतर होगा कि डूडा और ग्रिस्चुक के बीच हुआ था। जो फर्स्ट राउंड ड्रॉ होने के बाद सेकेंड राउंड में जो है वाइट थे डूडा के, और क्विकली हम लोग गेम की तरफ जाते हैं। इस पोजीशन में आप देख सकते हैं कि मैंने एक स्टार्टिंग पोजीशन लगाई जो कि QGD हॉर्विट्स का एक सेटअप है। बिशप F4 हॉर्विट्स लाइन बोलते हैं इसको, हॉर्विट्स वेरिएशन बोलते हैं। इसमें जो इनिशियल मूव्स थी वो D4, Nf6, C4, E6, डिम्जो इंडियन के स्ट्रक्चर से स्टार्ट करके QGD में गए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, Nc3 को Bb4 की जगह Nf3 खेला वाइट ने D5, और एक बार QGD आने के बाद Nc3, Bb7, Bf4। यहाँ पर और भी कुछ लाइंस हो सकती हैं जैसे कि Bg5 और सब, बट हायर लेवल पे Bf4 हॉर्विट्स वेरिएशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। कैसल E3, यहाँ पर बीच में मेरा एक मुंबई मेयर्स कप में गेम हुआ था शार्दुल के साथ। उसने मेरे साथ A3 वेरिएशन खेला था जो कि एक्चुअली बहुत पॉपुलर भी है। A3 उस वेरिएशन में आप B6 के साथ जा सकते हैं। B6 C का D, नाइट इन 2D मारना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। पॉन टेक्स इमिडिएटली नहीं मारना चाहिए क्योंकि ये जो नाइट है वो क्वीन साइड को थोड़ा सा डिफेंड कर रहा है। सो इसको अगर एक्सचेंज करते हैं इससे तो ब्लैक वाइट को थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, इसीलिए नाइट इन टू D5 मारना ज़रूरी है ब्लैक के लिए। नाइट कट D5, E कट D5, यहाँ पे क्वीन इन टू D5 भी पॉसिबल है। बिशप इन टू C7 थोड़ा सा रिस्की रहेगा क्योंकि किंग सेंटर में पड़ा है, और अगर आप बिशप C7 डायरेक्टली मारते हैं तो थोड़ी देर के लिए किंग सेंटर में और इसकी एक्टिविटी ठीक ठाक है, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि हम E कट D मारें। E3, C5 डेफिनेटली पिछले गेम में भी जो पोजीशन आई थी वो हैंगिंग पॉन्स पे आई थी, लेकिन उस वक्त उस पोजीशन में एक चेंज था कि F1 का जो बिशप है वो G3 BG2 खेला हुआ था, तो वो ज़्यादा बेहतर स्ट्रक्चर था कंपेयर टू दिस। सो इधर D कट C5, B कट C5 खेल के ये पोजीशन खेल सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि नाइट यहाँ मिसिंग होने से बिशप मैं इधर कर सकता हूँ ताकि इस पे इश्यूज रहें, और किंग भी सेंटर में थोड़ी देर के लिए अनसेफ है। सो डेफिनेटली अगर कोई A3 जाता है तो B6 वाला वेरिएशन हम जा सकते हैं इसमें, बट गेम में E3 खेला, नाइट Bd7, ये एक्चुअली सेकेंड बेस्ट ऑप्शन है। ज़्यादातर C5 खेला हुआ है इसमें लोगों ने। C5, D कट C5, B कट C5, Qc2, आइडिया Rd1 भी है, और लॉन्ग कैसल भी कर सकता है इसमें वाइट। Nc6, A3, Qa5, लॉन्ग कैसल एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, या फिर हम लोग Nd2 के साथ भी जा सकते हैं यहाँ पे, जिसमें कि बीच में एक कारे के नानंद एक गेम हुआ था बहुत अच्छा। तो इस पे बहुत सारे गेम्स अवेलेबल हैं। सो डेफिनेटली C5 भी एक अच्छा ऑप्शन है ब्लैक के पास, बट Nb7 भी ठीक है, दोनों ही खेलते हैं ब्लैक से। Rc1, C5, ये एक हिसाब से ताराश का स्ट्रक्चर आ गया है। अगर हम पॉन स्ट्रक्चर की बात करें तो सिर्फ एक ही चेंज है कि नॉर्मली ताराश में भी बिशप C1 पे रहता है, F4 पे नहीं रहता है। D कट C5, Nc5, Pxc, Nxc, नाइट से मारना अभी हमने डिस्कस किया था कि इसको एक्सचेंज करना अच्छी बात है क्योंकि वाइट थोड़ा सा अनसेफ फील करेगा क्योंकि अभी तक कैसल रेडी नहीं है। सो Nd5, Ed5, डेफिनेटली आप बोल सकते हैं कि इस पोजीशन में आइसोलेटेड क्वीन पॉन है यहाँ पे, बट वाइट का भी कैसल नहीं हुआ है और उसको थोड़ा प्रिकॉशन A3 और ये सब करके करना पड़ेगा, बिशप E2 शॉर्ट कैसल ये सब। उसके बाद यू कैन ट्रांसफर दिस बिशप टू E5 एंड दिस डायगोनल। सो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, दोनों ही साइड को अपने अपने चांसेस हैं। A3, अब बिशप D7, ये एक मेरे हिसाब से नया मुद्दा, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे Bg4 खेलते हैं, क्योंकि Bg4 में आप देख सकते हैं कि ब्लैक सिंपली F3 के नाइट को चैलेंज कर रहा है, जिससे वो D4 सक्सेसफुली कर सकता है। एक बार अगर डी पॉन ई से एक्सचेंज हो गई तो फिर डेफिनेटली ब्लैक को इक्वलिटी मिल जाएगी। बिशप E2, नाइट E6, बिशप E5, बिशप F6, ये एक मेजर वेरिएशन है जहाँ पे ब्लैक D4 एक बार एक्सचेंज करने के बाद बिशप इनटू F6, क्वीन F6 मार के बाद में रुक D8 और D4
ट्राई कर सकता है। लेकिन गेम में BD7 खेला जिसमें कि ग्रिस्चुक ने एक टेम्पररी पॉन सेक्रीफाइस दिया है क्वीन इनटू D5। ऐसे पोजीशंस में नॉर्मली हमको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी पोजीशंस हम ऐसे खेलते हैं जिसमें आपके पास मटेरियल है और अपोनेंट के पास एक्टिविटी है, या फिर आपके पास एक्टिविटी है और अपोनेंट के पास मटेरियल है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्टिविटी जिसके पास भी है उसको बैलेंस रखना पड़ेगा और स्पीड थोड़ी जनरेट करनी पड़ेगी ताकि जो भी मैं थ्रेट्स क्रिएट कर रहा हूँ वो एकदम इफेक्टिव हो और क्विकली उनमें कुछ ना कुछ दिखना चाहिए। क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म तक वो कुछ सक्सेसफुल नहीं हुए तो वहाँ पर वो पोजीशन जो है ओपोनेंट के पास जा सकती है। सो डेफिनेटली ब्लैक जो है वो एक्टिविटी के लिए देख रहा है और वाइट जो है वो एक्स्ट्रा मटेरियल, जो एक बार अगर बिशप B2 शॉर्ट कैसल हो गया तो डेफिनेटली इस पोजीशन में वाइट के लिए अच्छा रहेगा। सो यहाँ पर उन्होंने जैसे क्वीन इनटू D5 मारा तो रुक C8 आया ब्लैक, E4, क्वीन B6। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा अभी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है सब कुछ, क्योंकि अगर आप B4 खेलोगे C5 हटाना पड़ेगा और D7 हैंगिंग है B4 पे। लेकिन ब्लैक जो है वो डेफिनेटली ग्रेस्टोक ने ये प्रिपेयर किया होगा थोड़ा कुछ पहले, क्योंकि ये जो पोजीशन है वो इतनी भी ज़्यादा आगे नहीं जा सकती है कि हम इसको ओपनिंग में ना देख पाए, इतना प्रिपरेशन हाई लेवल पे डेफिनेटली हुआ रहता है। सो रुक FD8, बीकट C5, बिशप इनटू C5। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लैक ने बिल्कुल भी ज़्यादा उसमें सोचा नहीं कि एक पीस हम दे रहे हैं, क्योंकि ओपोनेंट का किंग जो है वो अभी तक सेंटर में है। सो डेफिनेटली ब्लैक इस पोजीशन में एक्टिविटी के लिए देख रहा है और बहुत चैलेंजिंग पोजीशन है एक्चुअली दोनों साइड से। बिशप E2 शॉर्ट कैसल प्रिपेयर कर रहा है इसमें वाइट, बिशप B5, रुक टेक सी फाइव और क्वीन B3 आ गया। अब आप बिशप E2 नहीं मार सकते हैं, क्योंकि अगर बिशप E2 मारा तो डेफिनेटली इसमें किंग E2 की जगह क्वीन B6 पहले मार देंगे हम AB6 और फिर इसको मार सकते हैं, बिकॉज अब ये ठीक पोजीशन है, आपके पास बिशप नाइट है रुक के बदले और ये ठीक है वाइट को पोजीशन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। नॉर्मली रुक C3 अगर A3 मर जाता है तो एक बात ये भी रहेंगी कि ब्लैक इसमें हारने के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं है उसके पास, तो ठीक था ये पोजीशन। लेकिन ब्लैक वेंट फॉर क्वीन C6, बिशप E3, C5 पे थ्रेट है, बिशप इनटू E2, बिशप इनटू C5 और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टैक्टिकली पोजीशन जो है वो सॉल्व होता जा रहा है। एक बार बिशप इनटू F3 आ गया, क्वीन इनटू F3, क्वीन इनटू C5। इस एक मूव में अभी तक के जो भी प्रॉब्लम्स थे वाइट के ऊपर, एक बार ये कैसल हो गया डेफिनेटली अब किंग सेफ है, और एक बार अगर किंग सेफ है तो और यहाँ तक आते आते पोजीशन एक्चुअली मटेरियल भी इक्वल हो गया था। सो इसमें सिर्फ इतना है कि फॉर्मेशन जो है पॉन फॉर्मेशन वो अलग है, 4-1 वर्सेस 3-2। तो क्वीन साइड में आपके पास एक एक्स्ट्रा पॉन है, ब्लैक थोड़ा प्रेस कर सकता है, लेकिन अगर किसी भी हालत में वो पॉन नहीं भी रही तो भी 3-4 में ब्लैक आराम से होल्ड कर लेगा। सो डेफिनेटली अगर इसमें कोई जीतने के लिए ट्राई कर सकता है तो वो ब्लैक ही कर सकता है। सो इवेंट फॉर B5, H4, H6, रुक B1, A6। वाइट का मेनली कोशिश रहेगा कि कैसे तो करके ए पॉन एक्सचेंज हो जाए किसी एक पॉन से, ताकि ये जो वीकनेस है ये बोर्ड से निकल जाए। सो रुक B3, H4 खेलने के लिए आपने देखा कि बैक रैंक भी बच गई थी। क्वीन E5, G3, डेफिनेटली किंग G2 और H4 को सपोर्ट भी आ रहा है। रुक D4, रुक E1, A5। फाइनली ब्लैक थोड़ा ट्राई कर रहा है क्वीन साइड में पास क्रिएट करने की। क्वीन G4, B4, टेक्स, क्वीन चेक ये, और अब इस पोजीशन में ज़्यादा कुछ बचा नहीं, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर शायद क्वीन B7 और ऐसे मूव्स खेल के आराम से वो होल्ड कर सकता है। यहाँ पर कोशिश ये नहीं करनी चाहिए कि हमेशा क्वीन एक्सचेंज करें, क्योंकि इधर एक्स्ट्रा पॉन है अभी भी।
भले ही अभी भी हम देखें कि एक्यूरेट प्ले के साथ ये ड्रॉ निकाल लेना चाहिए वाइट ने, लेकिन इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी कि क्वीन एफ फाइव इमिडिएटली एक्सचेंज करो। क्वीन बी सेवन इज ओके, एफ सिक्स, किंग जी टू, रुक सी फोर, क्वीन डी फाइव। फाइनली डी फाइव पे ठीक है एक्सचेंज करना, क्योंकि उसमें जो पॉन है वो अभी भी डी फाइव में पास पॉन है। सो जब भी ब्लैक ट्राई करेंगे रुक डी फोर, रुक बी थ्री, डेफिनेटली इफ यू टेक्स टेक्स, और ये ड्रॉ ही होना चाहिए। बट ब्लैक ने इधर किंग जी सिक्स खेला, किंग टू एफ थ्री, एच फाइव, किंग ई थ्री। फाइनली अभी पॉन मारना ही पड़ेगा, बिकॉज रुक सी फोर का मतलब है कि आप डी फाइव को पुश करने का चांस दे रहे हो, और इसमें कुछ ज़्यादा रिसोर्सेस है नहीं। तो रुक इन टू डी फाइव मारा, रुक इन टू बी फोर, सिंगल रुक, थ्री पॉन्स ऑन द सेम साइड, ये डेफिनेटली ड्रॉ ही होना चाहिए। सो यहाँ पे दोनों एग्री हो गए ड्रॉ करने के लिए। पर आप एक बग देख सकते हैं कि जितना भी इस सेकेंड राउंड में जो भी मूव्स हुए, बीच में एक पोजीशन बहुत क्रिटिकल आ गई थी जहाँ पे थोड़े टैक्टिकल सीक्वेंसेस थे, लेकिन हॉर्विट्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ओपनिंग है क्यूजीडी में। अगर आप बी जी फाइव, जो कि कार्ल्सबर्ट जो एक पॉपुलर वेरिएशन है क्यूजीडी में, उसके अलावा भी आपके पास हॉर्विट्स एक है। सो बहुत जल्दी हम बचे हुए गेम्स भी देखेंगे जो कि फाइनल में हुए हैं ग्रिस्चुक और डूडा के बीच में, और कोशिश करेंगे कि जो भी इन लोगों ने मेहनत की है बोर्ड पे, उसको थोड़ा सा मैं अपनी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। डेफिनेटली ये कोई कोशिश नहीं है कि भाई हम लोग उतना सब कुछ समझ पाएंगे, लेकिन जो भी सीख सकते हैं उनसे वो एक बहुत अच्छी बात होगी। और एज अ चेस प्लेयर हमारे लिए ये जो गेम्स हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आपके पास गेम्स याद है तो बहुत अच्छी बात होंगी। इस लास्ट पोजीशन के साथ हम लोग इसको यहीं रोकते हैं, और बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, बाय।